हेलो फ्रेंड्स, टेक आर्मी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप लिंक और टेलीग्राम लिंक यह है जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ भी अच्छी अच्छी वीडियो और जो है पिक को पोस्ट करता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले बिहार सचिवालय में जो भर्ती आई हुई फ्रेंड्स है, इसमें अगर वेतन की बात करें तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ देख सकते हैं 25,500 रुपये से वेतन शुरू है। यहाँ पर ये वेतन जो है 1,00,000 होने वाला। तो फ्रेंड्स, अगर पद की बात करें तो इसमें है तीन प्रकार के पद आए हुए हैं। इसमें पहला पद हो जाता है प्रतिवेदक का, दूसरा है निजी सहायक का और तीसरा जो है आसु लिपिक का पद है। ये फॉर्म जो है आप लोग ऑनलाइन फिलअप करा सकते हैं और इसका लास्ट डेट जो है 12/8/2019 दिया गया है। तो इसमें और क्या जानकारी हम लोगों को मिलती है तो ये हम लोग सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ और फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए है आप लोग फॉर्म जो भरने की डेट है वह जो 23/7 से जो है शुरू हो गया, उसका लास्ट डेट यहाँ पर देख लीजिए है 12/8/2019 दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और एग्ज़ाम फीस जो है उसको पे करने की डेट भी जो है 12/8/2019 दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए है एग्ज़ाम डेट जो है अभी आया नहीं हुआ है तो अभी जल्दी आ जाएगा और एडमिट कार्ड के लिए भी जल्दी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर अप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें हैं तो वह जो है जनरल ओबीसी व अदर स्टेट के लिए जो है ईडब्ल्यूएस के लिए और जो है 600 रुपये है और एसटीएससी और पीएच के लिए जो है मात्र 150 रुपये। इसका आप लोग पेमेंट का जो मेथड है इसमें आप लोग ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू है जो है पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें देख लेते हैं क्या जानकारी वैकेंसी की बात करें फ्रेंड्स, टोटल पूरे है 41 वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है। जो अगर एज लिमिट की बात करें तो जो है आप लोगों को 1/1/2019 तक जो है आप लोगों को 21 से 37 वर्ष जो है के बीच में होना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए है 21 से 37 वर्ष जो है एज आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला पोस्ट यह यहाँ दिया गया है, यह दूसरा पोस्ट जो है यह है असिस्टेंट की, जो पर्सनल असिस्टेंट की, इसमें 5 पद हैं यहाँ, और रिपोर्टर की जो है इसमें 16 पद हैं। ठीक है, जिसमें सभी में 21 से 37 वर्ष योग्यता मांगी गई है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स है बैचलर डिग्री है होना अत्यंत आवश्यक है। इंडिया में किसी भी आप लोग यूनिवर्सिटी से वह डिग्री प्राप्त किए हों और इसके साथ साथ है स्टेनोग्राफर स्पीड जो है यानी कि कंप्यूटर में आप लोगों को टाइपिंग जो होनी चाहिए वह 150 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वो भी हिंदी में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अलग अलग दिया गया है, कहीं पर 100 वर्ड प्रति मिनट दिया गया है तो कहीं पर 150 वर्ड प्रति मिनट दिया गया है, जो है अलग अलग वैकेंसी में अलग अलग जो है दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कहीं कहीं है ओ लेवल की डिग्री जो भी मांगी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वैकेंसी में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग जो भी 35 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, और आप देख लेते हैं क्या जानकारी मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर वैकेंसी में कुछ और चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जो तीनों पद हैं जो है रिपोर्टर की है, पर्सनल असिस्टेंट का और स्टेनोग्राफर का जो है इसमें देख लीजिए आप लोगों है रिपोर्टर जो है 7 पद जनरल के लिए हैं और 3 पद एसटी के लिए है और एससी के लिए है सॉरी, और एसटी के लिए कोई पद नहीं है। और यहाँ पर ईबीसी के जो है 3 पद हैं, ओबीसी के लिए 2 पद हैं ठीक है, ओबीसी फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए कोई फीस था सॉरी, ओबीसी जो है महिलाओं के लिए यहाँ पर है कोई सीट नहीं दिया गया। और यहाँ देख लीजिए पर्सनल असिस्टेंट के लिए है जनरल में 3 हैं और एसटी में 1 हैं, ईबीसी में जो है 1 है और ओबीसी में कोई सीट नहीं दिया गया है। ठीक है, और स्टेनोग्राफर में 7 यहाँ पर दिए गए हैं जनरल के है और एससी के जो है 3 दिए गए हैं, एसटी के 1 दिए गए हैं और ईबीसी के जो है यहाँ पर 4 दिए गए हैं और ओबीसी के जो है 2 दिए गए हैं, और ओबीसी को जो है यहाँ फीमेल के लिए भी 1 सीट खाली यहाँ पर दिया गया है, और देख लीजिए ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वह 2 पोस्ट खाली हैं। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स है यहाँ पर आप लोगों को है पूरे 41 पोस्ट जो है यहाँ पर मिलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोग ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर देख रहे हैं, इसके सीधे में आप लोग है अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और किसी भी जानकारी के लिए यहाँ पर अलग से नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर, यहाँ पर क्लिक हियर क्लिक करके आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देते हैं, वहाँ से आप लोग है ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स,
और फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।